यार सुनो, सरदार ने तुम्हें एलची बना के भेजा है बंसी साहब। पहले जिस तरह एतबार किया था वैसे ही जमींदार पे एतबार करके मुआहदा क्यों नहीं कर देते वो? तुम्हारे फितने और फसाद से बखूबी वाकिफ है हमारे सरदार। ये ना भूलो कि तुम यहाँ मेरे मेहमान के तौर पे मौजूद हो बंसी। जमींदार एरिस, आज से तुम इस किले में खुद को मेहमान समझो। अगर किले को हमारे हवाले ना किया तो तुम्हें कहीं भी राह फरार नहीं मिलेगी। मैं समझता था कि अर्तुगरुल जंग की रिवायात को समझने वाला कमांडर है। क्या तुम वही शख्स नहीं जिसने हमसे गद्दारी करके हमारे अतमाद को धोखा दिया? हमारे सरदार इसलिए तुमसे किला लेना चाहते हैं ताकि किसी मासूम को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। अगर तुम्हारे सरदार ने जंग का इरादा मुलतवी ना किया तो खून की नदियां बह जाएंगी बंसी साहब। एरिस, सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े शैतान हो। तुम्हारी बात की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। जहां तक हमारी बात है तो हम अपना खून बहाने से हरगिज नहीं घबराते, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर तुम नहीं चाहते कि कोई अपनी जान से जाए, अपने लोगों के बारे में अगर तुम इतने ही फिक्रमंद हो, किले को हमारे हवाले बगैर किसी शर्त के कर दो। अर्तुगरुल सरदार की यही शर्त है। सरदार ने मुआहदा हमको रद्द कर दिया। इस मुआहदे को पहली बार तुमने तोड़ा था एरिस। मेरी तलवार से तुम्हारी पुश्त पर नक्श होने वाला जख्म याद दिलाने के लिए काफी है। ऐसे ही तुमने अमनो सुकून को बीनाई से महरूम कर दिया। कुछ और कहना है तुम्हें बंसी साहब? मैं अपनी बात कह चुका हूं। हमारे सरदार उस काम को मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं जो पहले उन्होंने अधूरा छोड़ा था। तो फिर मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची फरार होने की। बंसी साहब, तुम वो मलून हो जो मासूम बच्चों तक को अगवा कर लेता है। मैंने तुर्कुत सिपाही की जान बचाई थी। तुम्हारे सरदार ने क्या किया? मेरे किले का मुहासरा करने की कोशिश की तो मैंने अमन सुकून के लिए उसके बेटे को अगवा कर लिया। तो अब बताओ मुझे, किसने इस मुआहदे को तोड़ा है? ना तुम अमन सुकून को कायम रख सकते हो और ना ही जंग ईमानदारी से लड़ सकते हो। अब मजीद कोई भी लफ्ज और जरा भी सब्र बाकी नहीं रहा हमारे पास। अपने इलाके और सल्तनत की हिफाजत के लिए जो जरूरी इकदाम थे वो मैंने सब किए बंसी साहब, और आगे भी अपना यह अमल बरकरार रखूंगा। मैं अर्तुगरुल सरदार को बता दो कि वो अच्छी तरह जान ले, ना तो मैं खुद को और ना ही अपने किले को उनके हवाले करूंगा। बादशाह की फौज अनकरीब यहां पहुंच जाएगी। उनके पहुंचने के बाद मैं इन दीवारों के पीछे नहीं रहूंगा। बाहर निकल के तुम सबको मार डालूंगा मैं। हमने अपनी तलवारों को सीने में जलने वाली इंतकाम की आग से सैकल किया है। आने दो फौज को एरिस। सिपाहियों, अब चलते हैं यहां से। पत्थर के इस पिंजरे में अब हमारा काम खत्म हुआ। चलो।